दोस्तों वॉल सेल्स के प्रोजेक्ट पे तो काम चल रहा है, 2-3 दिन में पोस्ट हो जाएंगे। बट ये जो हमारे घर में बहुत सारे जमा हो गए उनको कैसे खाली करें, तो बहुत ही यूनिक और आसान आइडिया है, ज़रूर देखिए और अपने घर को सजाइए। तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल दियाज क्रिएटिव डीआईवाई डेकोर बास्केट। मैं हूँ मेघा। तो हाँ, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैं अगरबत्ती के डब्बे का यूज़ कर रही हूँ, ये तो हर किसी के घर में अवेलेबल होता है। तो सबसे पहले इसके सारे प्लास्टिक को हटा लेना है जो भी सेलो टेप लगा हुआ है, और फिर चारों तरफ से इसे पैक कर देना है, अच्छे से इसे स्टिक कर देना है ताकि ये थोड़ा स्ट्रांग रहे। और फिर मैंने फेविकॉल से 2 डब्बे को एक साथ स्टिक करा है। मुझे इसी साइज़ का फ्रेम चाहिए था इसलिए मैंने ये स्टिक करा। आपके पास अगर एक से ज़्यादा हो, मेरे पास 4 थे तो मैंने 2 फ्रेम बनाया। आपके पास अगर ज़्यादा हो तो आप इससे भी बड़ा फ्रेम बना सकते हो। मैंने 2 बॉक्स को फेविकॉल से अच्छे तरह फेविकॉल लगा कर स्टिक करा है, और उसके बाद मैं उस पर मास्किंग टेप लगा रही हूँ। एक बात और कि जो भी बॉक्स लोगे वो बिल्कुल शेप में होना चाहिए, इधर उधर से मतलब टूटा फूटा या मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। और ये मैंने वेस्ट कपड़े लिए हैं, तो आपके पास भी कोई भी कपड़ा हो आप यूज़ कर सकते हो। तो जहाँ पे जिधर हमें पेंट करना है ना, तो उस साइड हम पूरे में कपड़ा डालेंगे। और ये मैं पीछे लगा रही हूँ, और साइड से हमें मास्किंग टेप से कॉर्नर को शार्प कर लेना है। तो ये देखो हमारा रेडी हो गया। और फिर मैं पीछे एक पेपर स्टिक कर रही हूँ जिससे कि देखने में थोड़ा अच्छा लगे। ये मेरा बैक का पोर्शन हो गया। एक बात और कि अगरबत्ती का जो बॉक्स लोगे ना वो सेम साइज का ही लेना। और ये हमारा आगे का पोर्शन हो गया। तो इस तरह से मैंने दोनों को कर लिया, 2 फ्रेम मैंने बनाया और उस पर मैं स्केच कर ली हूँ मुझे जो भी बनाना है। आपको जो भी डिज़ाइन या जो भी बनाना हो आप उसे स्केच कर लीजिए। और फिर ये देखो मैं कुछ लीफ बना रही हूँ। फिर वाइट पेंट से हमें इसे पेंट कर लेना है जिससे कि पूरा अच्छा। अब ये हमारा एक कैनवास टाइप से बनकर रेडी हो गया है, तो अब हम इस पे पेंट करेंगे। तो मैंने जो शेप बनाया वो मुझे थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, तो मैं उसी पे पेंट कर रही हूँ। मैंने डार्क ग्रीन लिया है, मैं लीफ का डिज़ाइन बनाई हूँ, तो मैं पहले डार्क ग्रीन से आउटलाइन कर ले रही हूँ सभी को, उसके बाद मैं पेंट करूँगी। तो आप जो भी डब्बा लेना ना, आप जैसे बड़ा फ्रेम भी बना सकते हो, छोटा फ्रेम भी बना सकते हो। तो जो भी लोगे उसमें पूरा फ्रेम अच्छे से मतलब कहीं पे भी मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। तो अभी से आप डब्बा जमा करना शुरू कर दो, और जमा करने के बाद आप देखना बिल्कुल लास्ट में कितना अच्छा और सुंदर बनता है। और मैं इसमें कुछ पॉजिटिव लिखने वाली भी हूँ, कुछ अच्छा अच्छा होता है। जैसे मैं इसे पूरा ग्रीन लुक दूंगी और फिर मैं इस पर कुछ पॉजिटिव सेंटेंस लिखूंगी, तो थोड़ा अच्छा लगता है। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें ताकि उन लोगों को भी इस तरह के आइडियाज़ मिल सके। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि नोटिफिकेशन भी मिल सके। कोकोनट ट्री के लीफ बना रही हूँ। पहले मैंने डार्क ग्रीन यूज़ किया है, कोकोनट लीफ के तो थोड़े ब्राउन येलो टाइप के होते हैं ना, तो मैं उसे बनाऊंगी उसी तरह से बनाऊंगी। और नीचे मैंने बनाना लीफ दिया है, तो दोनों फ्रेम का मैंने अलग अलग डिज़ाइन बनाया है, तो दोनों को मैं कलर कर लूँगी उसी के अकॉर्डिंग। तो और इसमें मैं अब लीफ ग्रीन भी यूज़ करने वाली हूँ, जो लाइट ग्रीन आप बोलते हो उसे भी हमें यूज़ करना है। पहले हमें आउटलाइन करना है, इसमें बस लीफ का कलर देना है। ये मैं लाइट ग्रीन इसमें यूज़ कर रही हूँ। पहले पूरे को हम कवर कर लेंगे इसमें, देखो मैं दोनों साइड से। और हमें लीफ के शेप में ही पेंट करना है, उसके बाहर पेंट नहीं करना है। जैसे कि लीफ ऊपर से नीचे जा रहे, तो देखो वो जो लाइन खींचा है उसी तक मैं ले जा रही हूँ, क्योंकि उस साइड दूसरा लीफ का दूसरा पार्ट आ जाएगा तो वो उस साइड से आएगा। तो हमें उसे देखो इस साइड से ही करना है जिससे कि लगे कि हाँ लीफ का शेप बन रहा है। और इधर भी मैं पेंट कर लूँगी। ये मेरा बनाना लीफ हो गया। और अब मैं इसमें येलो कलर थोड़ा सा यूज़ करूँगी, और जहाँ जहाँ भी ग्रीन मैंने पूरा जो पेंट करा है ना, तो डार्क ग्रीन को से आउटलाइन जो ख़राब हो रहा है हमारा, तो हम उसे फिर बाद में ठीक कर लेंगे। और ये देखो मैं थोड़ा सा डार्क ग्रीन से आउटलाइन फिर से बना रही हूँ, क्योंकि पेंट करने से तो इधर उधर हो गया था ना, तो अब मैं इसे अच्छे से शेप दे दूँगी। ये देखो, तो इस तरह से मैं सारे लीफ को कलर कर लूँगी। और देखो शाम बहुत हो गई थी तो लाइट मुझे जलाना पड़ा, और ये मैं सारे को आउटलाइन कर रही हूँ।
आप भी, आपको जो भी डिज़ाइन बनाना हो आप बना सकते हो, जो भी पेंटिंग बनाना हो बना सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि मैं जैसा बना रही हूँ वही बनाओ। तो मैंने बनाना के लिए डार्क ग्रीन, लीफ ग्रीन, लेमन येलो लिया है। ये देखो मैंने इसमें थोड़ा सा येलो और थोड़ा सा ब्राउन कलर यूज़ करा है, तो पहले मैं येलो से कर ले रही हूँ, फिर मैं हल्का सा ब्राउन भी दूंगी इसमें, जिससे कि ये कोकोनट, ये देखो कोकोनट के लीफ के टाइप का लग रहा है ना, तो और ये मैंने इस पे कलर कर, अब ये, अब मैं थोड़ा सा सैप ग्रीन ली हूँ, सैप ग्रीन में थोड़ा वाइट मिलाई हूँ ताकि लीफ के अंदर का जो पोर्शन है ना, कहीं पे डार्क दिखता है कहीं पे लाइट दिखता है, तो उस तरह का मैं कुछ बना सकूँ। ये देखो हमें बिल्कुल लीफ के साइड टाइप का बनाना है इसे, येलो कलर थोड़ा सा हमें देना है, तो इस तरह से सारे कलर को मिक्स करके हम लीफ का कलर बना लेंगे। देखो मैंने येलो कलर और लाइट ग्रीन कलर ये सब को मिक्स करके, आप ना जब पेंट करोगे ना तो आप खुद ही आप देखोगे, ये देखो हमारा हो गया ना, ये हो गया। अब दूसरे पे फिर मैं डिज़ाइन बना रही हूँ, तो इसका मैं ज़्यादा नहीं दिखाऊंगी क्योंकि आपको तो एक मैं दिखा चुकी हूँ, और ये दूसरा मैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम लगेगा तो आप भी बोर हो जाओगे, तो इसका मैं थोड़ा सा खाली पेंट करके दिखा रही हूँ, फिर ये कैसा होगा वो मैं दिखा। उसी तरह हमें इसे भी पेंट करना है, तो एक लीफ मैंने इधर बनाया है, ये देखो मैं कंप्लीट कर ले रही हूँ इधर का, फिर मैं उस तरफ करूँगी, और फिर एक लीफ मैं ऊपर की तरफ बना रही हूँ। मैं कौन कौन सा कलर यूज़ कर रही हूँ वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप टेंशन मत लेना। ये ऊपर की तरफ मैं बनाई हूँ, और इसमें भी मैंने कोकोनट का लीफ दिया है, तो इस तरह से मैं, ये देखो ये हमारा रेडी हो गया, सारा पेंट मैंने कर लिया और ये हमारा रेडी होगा। अब इसके बाद मैं फ्रेम डिज़ाइन इसमें दूंगी, ये मेरे पास वेस्ट कार्डबोर्ड है, इससे हमें स्ट्रिप टाइप से साइड के लिए इस तरह से हमें कॉर्नर कट करना है और इस तरह से हमें फ्रेम लगाना है, तो मैं इसे स्टिक कर लूँगी, ग्लू की हेल्प से मैं इसे स्टिक कर ले रही हूँ, तो ये देखो मैं इसे स्टिक कर ले रही हूँ। फ्रेम के लिए जो स्ट्रिप बनाए हो ना उसको आपको साइड साइड तिरछा कट करना है, देखो जैसे मैं कट करी हूँ। स्टिक होने के बाद ये देखो कैसा लग रहा है सूखने के बाद, और अब मैं इसे ब्लैक कलर से पेंट कर लूँगी, तो हमें इसे अब ब्लैक कलर से पेंट करना है और अच्छे से करना ताकि कलर आपका नीचे ना लगे। और इस पे मैं पॉजिटिव सेंटेंस, हैप्पीनेस इज़ अ वे ऑफ लाइफ एंड पॉजिटिविटी इज़ अ माइंड सेट, तो ये दोनों मैंने लिखा। ये देखो इसका फाइनल लुक कैसा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है ना, तो इस तरह से लग रहा है कि अगरबत्ती के डब्बे का है ये। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और हाँ अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि मेरे नोटिफिकेशन मिल सके। मैं हमेशा यूनिक आइडियाज़ लेकर आती रहती हूँ आपके पास, तो मिलती हूँ फिर मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।